पांच नाम बताए थे, एक है हर, महादेव का नाम रोज लीजिए, दूसरा है हरि, भगवान नारायण का नाम रोज लीजिए, तीसरा नाम है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति, हरिचंद्र राजा का नाम लेकर के भी मुसीबतें टल जाती, चौथा नाम है हनुमान और पांचवा नाम है हलायुधम यानी बलराम, ये पांच नाम लेकर के मुसीबतें कट जाती हैं, घोर संकट कट जाएंगे। पवित्र हिंदू धर्म में जितने भी पुण्यात्मा हैं, अब गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं और नाम जपते हैं, हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, एवे नमः, ये पता नहीं कितने मंत्र बना रखे हैं। गीता जी में है कोई मंत्र ऐसा? गीता जी में फाइनल फैसला कर रखे है। गीता जी दया नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रयाति तदनदेहम सयाति परमाम गति, मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो अंतिम श्वास तक शरीर छोड़ने तक इसका सिमरण करता हुआ छोड़ कर जाता है, यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है, ओम से मिलने वाली परम गति। ओम से मिलने वाली श्रेष्ठ गति कौन सी है? ब्रह्म लोक प्राप्ति, क्योंकि ओम ब्रह्म का मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा है, वो कह रहा है कि मेरी गति में ये उदार आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली घटिया गति में ही आश्रित रहे। ओम से मिलने वाली जो सुविधा है मोक्ष है जितना, कहते यो तो व्यर्थ है, घटिया है, अनुत्तम है। अनुत्तम क्यों है? क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसी से दह के जन्म मृत्यु ब्रह्म की भी, और पुजारी भी फिर दुखी जन्म और मृत्यु जैसा दुख नहीं पृथ्वी पर। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पुण्यात्मा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पूजा यानी तत्ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का 3 मंत्र का जाप है उसको प्राप्ति का, ओम तत् सत, ओम ब्रह्म का, सरपुरुष भी कहते हैं इस ब्रह्म को, और तत् अक्षर पुरुष का वो सांकेतिक है, और सत जो है परम अक्षर ब्रह्म का, इनकी मजदूरी करनी है। इन 3 की साधना से ही परमात्मा प्राप्ति सतलोक प्राप्ति होगी।